है कि मैं सरगुजा में नहीं कलकत्ता के मोहन बागान में बैठा हुआ हूँ। जो प्रेम है वहाँ वही सरगुजा में दिखता है। और आज सरगुजा के हमारे सभी साथियों का और यहाँ के फुटबॉल प्रेमियों को मैं बधाई दूंगा। 1960 से चलने वाला ये सरगुजा का फुटबॉल का आयोजन, और इस आयोजन में आज मैं कह सकता हूँ कि 40 से ज़्यादा टीमें इसके शामिल हुई। और सरगुजा को अपने आप में उपलब्धि है कि मोहन बागान थाना प्रेसिडेंट मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जैसे राष्ट्रीय स्तर के टीमों यहाँ पे भाग ले चुकी है। और इसके साथ ही साथ आज अडानी अकाडमी फुटबॉल अकाडमी ने 1914 वर्ष की टीम में भारत का प्रतिनिधि ईरान और डेनमार्क में किया है। उन बच्चों के लिए ताली बजाइए आप। चंद्र कुमार क्रिकेट का, रोबिन क्रिकेट का ईरान और पालसाय और निशान कुलूर डेनमार्क जाकर प्रदर्शन किया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ आने वाले समय में एकेडमी के बच्चे राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में नजर आएंगे। इसका ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उनको बधाई। स्वर्गीय अरुण प्रताप सिंहदेव जी जो स्वयं फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके नाम से यह प्रतियोगिता का आयोजन जो 65 से 70 के दशक में इस लीग से जुड़े रहे, मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए इस आशा के साथ कि सरगुजा छत्तीसगढ़ के फुटबॉल में और देश के फुटबॉल में अपना एक स्वर्णिम स्थान बनाएगा। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।